कैसे हैं भाई लोग? आप सभी ठीक है ना? आशा करते हैं, उम्मीद और विश्वास रखते हैं आप और आपकी तबीयत दोनों टॉप की होगी। वैसे आज एक नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसका नाम होगा फंडामेंटल यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, इस बात को अभी महसूस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। इसे समझने के लिए हम आपको लेके चलते हैं पीरियोडिक टेबल के सबसे सिंपल एटम जो हाइड्रोजन एटम होता है, इनकी परमाणु संख्या एक होती है। इसके नाभिक के चारों ओर कक्षा में इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन कर रही होती है, चक्कर काट रही होती है। तो चक्कर काटते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा। इसे पहले कैलकुलेट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसे हम एल एंगुलर मोमेंटम को कह देते हैं। एल इक्वल्स आपने समझा है एम बी आर, पुरानी लेक्चर। भी आर ओमेगा, जैसे बात आपको याद रखनी चाहिए, ये मजाक वाली बात है। एल इक्वल्स आप लिख पाएंगे एम आर ओमेगा इंटू आर और एम आर स्क्वायर ओमेगा। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑर्बिट में चक्कर काट रही है, रिवॉल्व कर रही है। ओमेगा इनका एंगुलर वेलोसिटी है और आर रेडियस उस ऑर्बिट का जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रही है। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन याद कीजिए 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी होता है। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आप यूज करते हैं 5.29 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर। ओमेगा जो इनकी एंगुलर वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन ये किसके बराबर होते हैं पता है आपको? 4.13 इंटू 10 टू द पावर 60 रेडियन पर सेकंड होता है। अगर ये वैल्यू आपको याद हो तो आप यहां से एल पता कर पाएंगे। एल इक्वल्स 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 यह मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो गया। आर की जगह 5.29 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा।
ओमेगा 4.13 इंटू 10 टू द पावर 16 यूनिट हटा लीजिए। यहां से इसके यूनिट में पहुंचते हैं, हाफ का कोई यूनिट नहीं है, मास केजी हो जाएगा और वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर इनटू ये सेकंड रखेंगे आप तो एक हर्ट्ज आएगा, ये आपको निकल के आएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो एल के लिए दो यूनिट यूज करें, जूल सेकंड या फिर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। हाफ एमवी स्क्वायर यूज करा हमने, एल 9.1 इंटू 5.29 इंटू 5.29 इंटू 4.13 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22 इंटू 10 टू द पावर 16 ऐसा लिख लीजिए जूल सेकंड। पहले आप इसे देख लें, माइनस 31 माइनस 22 और प्लस 16 इसे आप कहेंगे कितना आ जाएगा, ये माइनस 37 जो 10 का पावर हो जाएगा ओवरऑल, हम इसे आप मल्टीप्लाई करिएगा इस पूरे टर्म को, तो ये लगभग लगभग आपको 10.51.72 10.51.72 ये रफली आपको इतना मिल जाएगा। इस पूरे टर्म को आप कैलकुलेट करेंगे तो मल्टीप्लाई अपनी जगह रख लीजिए। ऐसा करते हैं, यह जो माइनस 37 है इस पॉइंट को उठा के अगर हम यहां कर दें 1.05 अप्रॉक्स कर दी इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 लिख सकते हैं, ये पॉइंट को यहां लेके आ जाए तो माइनस 34 हो जाएगा ये वाला टर्म जूल सेकंड। तो ये एल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द फर्स्ट ऑर्बिट, एल निकल के आ गया आपको। अच्छा दूसरी बात, एक जो एंगुलर मोमेंटम का फंडामेंटल यूनिट होता है क्रॉस एच, इसे आप एच बार भी कहते हैं या फिर क्रॉस एच भी कहते हैं। एच बार एच बाई 2π होता है, एन फर्स्ट ऑर्बिट है तो इसके लिए 1 हो जाता है एच बाई 2π। याद होगा आपको इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में चक्कर काट सकता है
जहां h by 2 pi का इंटीग्रल मल्टीपल फाइंड आउट होता है, है कि नहीं? यह बात क्वांटम मैकेनिक्स आपको बताती है। तो h bar equals h by 2 pi। यह जो h bar है इसे रिड्यूस्ड प्लैंक्स कॉन्स्टेंट के नाम से जानते हैं। एच बार का एक और नाम है, वो भी याद रखिए, डिराक कॉन्स्टेंट। एक थे फर्मी डिराक और मैक्स प्लैंक, ये दो तीन नाम ध्यान रखें। दूसरा एक आपको एच लिख रहा है, एच को सीधा सीधा प्लैंक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। इसका वैल्यू 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 यू सेकंड होता है। आप 2 पाई जानते हैं, 2 पाई 2 इंटू 3.14 होगा, ये 6.28 मिल जाएगी आपको। वैल्यू में इस वैल्यू से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा? एस बार इक्वल्स निकल के आया 6.62 इनटू 10 टू द पावर -34 अपॉन 6.28। अब इसे डिवाइड करें, 6.62 अपॉन 6.28 इंटू 10 टू दी पावर -34, ऐसा ही यूनिट जूल सेकंड ही रहेगा। इसे डिवाइड करेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगा, देख सकते हैं। ये लगभग 1.05 इसका वैल्यू मिल रहा है जो आपको यहां आया था, 1.05 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल सेकंड। अब आप देखिए यहां h बार आपको निकल के आया क्रॉस h और ये L, ये दोनों सेम है, तो ये बात ध्यान रखें। आप लिख पाएंगे L equals H by 2 pi और इसका इंटीग्रल मल्टीपल एन एच अपॉन 2 pi एन इंटीग्रल अपॉन। एंगुलर मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आपको समझ में आया, एच बाई 2 पाई क्यों लिया जाता है, इनके पीछे की कहानी। थैंक यू सो मच।